हेलो फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों, आज रोज बच्चों हम चैप्टर नंबर 10 स्टैंडर्ड 12th चैप्टर नंबर 12th वो भी इंग्लिश मीडियम में, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड्स, उसका वीडियो नंबर 9 लेके उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। कि आज के ये वीडियो में, वीडियो नंबर 9 में हम मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ सबसे पहले, इन द लास्ट सेशन व्हाट वी हैव डन, लास्ट सेशन में बच्चों हमने क्या देखा था वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लास्ट सेशन वी हैव सीन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, एंड देन उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन SN2 के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अभी आज के ये वीडियो में वी आर गोइंग टू सी अबाउट द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर SN1 रिएक्शन के, उनके मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं SN1 रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, उनका मैकेनिज्म कैसे होता है उसके बारे में पूरी चर्चा आज रोज हम बच्चों करने वाले हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करूं, उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो और आज का यही वीडियो देखने जा रहे हो, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर देना, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, दैट इज SN1 रिएक्शन। तो बच्चों, इसको शॉर्ट में हम SN1 रिएक्शन से बोलते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, SN1 रिएक्शन जो है आर जनरली कैरिड आउट इन पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर का मतलब क्या होता है कि वन हु पजेस सम चार्ज, सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, H+ उसके अंदर प्रेजेंट हो ऐसे सॉल्वेंट्स, उनको हम प्रोटिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं, और वो भी चार्ज वाले। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर ज्यादातर SN1 रिएक्शन इन जनरल कैरिड आउट होती है। अभी हमें क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों, क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई ये पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है क्या, उनके कोई एग्जाम्पल वगैरह कुछ मिले, क्यों ना मिल सकता है ना। तो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट्स के। सबसे पहले हमारे पास है वाटर। अभी वाटर का फॉर्मूला तो सबको पता ही होता है बच्चों, H2O। देन After water, we have the second example, that is the acetic acid. Acetic acid का formula हम लिखे तो CH3COOH. Acetic acid को हम ethanoic acid, ethanoic acid भी बता सकते हैं। ठीक है, मतलब कि उसका दूसरा नाम है। ओके, उसको विनेगर भी बोलते हैं, ओके? तो ये बात होगी भाई दूसरा एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल है हमारे पास अल्कोहल, जिसको कॉमनली हम ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रोटिक पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के कुछ एग्जाम्पल की। ठीक है, जिसके अंदर SN1 रिएक्शन होती है। ओके, नाउ सबसे पहले द रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, हम क्या लेंगे टर्शरी, ये हमारे पास जिसको टर्शरी क्यों बोलते हैं, देखो ये रहा कार्बन, ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों जगह पे कौन प्रेजेंट होगा, CH3, देन CH3, ओके?
कार्बन आ गया, उसके साथ कौन अटैच है? Br। तो ब्रोमीन जो कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे एक दो और तीन कार्बन के साथ अटैच है। ओके, दैट्स वाई उनको हम क्या बताते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये किसका एग्जाम्पल है? टर्शरी ब्यूटाइल ये यू आएगा ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, तो रिएक्शन जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड दूसरा क्या ऐड करेंगे, तो के पास हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन, वो दोनों के बीच में रिएक्शन प्रोसीड होगा। ओके, एंड यील्ड यानी कि प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बनेगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, उसके साथ में ब्रोमाइड आयन। ओके, मिलने वाला है हमें। अभी ये जो रिएक्शन है दोस्तों, ये जो पूरा रिएक्शन है, ठीक है, इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। अभी ये क्वेश्चन होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है बच्चों, तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होगा बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। कोई एक रिएक्टेंट के ऊपर ही पूरे रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंडेंट होगा। अभी और एक क्वेश्चन होगा, कौन सा क्वेश्चन? तो के भाई वो रिएक्टेंट कौन सा है जिसके ऊपर पूरी रिएक्शन का डिपेंडेंसी रहता है? तो वो और कोई नहीं बल्कि कौन होगा? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कौन होगा? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो पूरी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन कौन डिटरमाइन करेगा? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, नाउ ये जो है वो स्टेप वाइज रिएक्शन होती है। ओके, दो स्टेप के अंदर रिएक्शन होगी। अभी स्टेप नंबर वन में क्या होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जो पोलराइज्ड सी बी आर बॉन्ड है, जैसे कि इसको देख के हम लिखे तो ऐसे लिखेंगे, कार्बन, फिर से वही तीन जगह पे सी एच थ्री, ये सी एच थ्री, ये सी एच थ्री एंड देन बी आर। तो आपको पता होगा बच्चों कि जो सी बी आर बॉन्ड है, सी एन बी आर, वो पोलराइज्ड होगा। बी आर के ऊपर डेल्टा माइनस होता है और कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस होता है, तो ये पोलराइज्ड हो जाएगा सबसे पहले। ओके, सो इन स्टेप नंबर वन द पोलराइज्ड सी बी आर बॉन्ड अंडरगोज स्लो क्लीवेज, यहां पे बीच में ब्रेकडाउन होगा। ओके, क्या होगा? ब्रेकडाउन। अभी ब्रेकडाउन के अंदर उसको स्पेसिफिकली हम क्या लिखते हैं? क्लीवेज। ओके, तो क्लीवेज ओके हमें क्या देने वाला है? सो आफ्टर टू गेटिंग द स्लो क्लीवेज दे प्रोड्यूस अ कार्बो केटायन। वो क्या बनाएगा? कार्ब केटायन। यहां पे सेंट्रली देखो, इसको मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूं, ये कार्बन हो गया,
ऊपर CH3, यहाँ पे CH3 और एक CH3 कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, तो ये बन गया कार्बोकेटायन। क्या बना? कार्बो CaRbO कार्बो केटायन। ओके, तो ये हो गया कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। उसके साथ में बाय प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है ब्रोमाइड आयन। क्या मिलेगा? ब्रोमाइड आयन। ओके, तो ये हो गए बच्चों स्टेप नंबर वन में क्या होता है। सो ड्यूरिंग स्टेप नंबर वन सीबीआर बॉन्ड विच इज पोलराइज्ड, ओके, देयर विल बी द क्लीवेज बिटवीन बोथ ऑफ देम, बिटवीन सीबीआर एंड यू विल बी गेटिंग द वन प्रोडक्ट कार्बोकेटायन प्लस ब्रोमाइड आयन। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर टू में क्या होगा बच्चों। तो स्टेप नंबर टू के अंदर द कार्बोकेटायन दस फॉर्म्ड, जो कार्बोकेटायन बना हुआ है ये क्या है हमारा कार्बो केटायन जो बन गया है। ओके, सो कार्बोकेटायन दस फॉर्म्ड इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल इन स्टेप नंबर टू। उसके ऊपर हमारा न्यूक्लियोफाइल ये कौन है? OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, पर उसको बोलते क्या है? न्यूक्लियो फाइल अटैक करेगा कहां पे? देखो ये रहा भाई, ओके, यहां पे अटैक होगा। क्या होगा? अटैक, अटैक्ड। किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल का कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक होगा ड्यूरिंग स्टेप नंबर टू। और क्या मिलने वाला है? तो हमें मिलेगा क्या बच्चों? यस, द प्रोडक्ट विल बी CH3 थ्राइस COH। ठीक है, इसको हम कॉमनली लिखे तो देखो ऐसे होगा, ये कार्बन ऊपर नीचे लेफ्ट, यहाँ पे CH3, हियर ऑल्सो CH3 देन OH। ओके, OH, तो ये क्या है इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर हम करें तो नाम होगा 2-methyl 2-propanol के ये प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। क्लियर है? तो ये था स्टेप नंबर टू। ओके, नाउ आफ्टर दैट स्टेप नंबर वन जो है दोस्तों इज द स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल स्टेप। वो धीरा है और रिवर्सिबल भी है। इट इन्वॉल्व्स द CBR बॉन्ड ब्रेकिंग। ये जो CBR बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। फॉर विच द एनर्जी इज ऑब्टेन थ्रू द सॉल्वेशन ऑफ एलाइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? तो कि भाई प्रोटिक सॉल्वेंट, और तीन प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए, जैसे कि वाटर, अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। ओके, नाउ सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। आपको पता है जो पूरी रिएक्शन का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? तो कि भाई जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप हो उनके ऊपर। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली द कंसेंट्रेशन ऑफ एक ही चीज अल्काइल एलाइड के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा एंड नॉट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो रिएक्शन का जो पूरा डिपेंडेंसी है वो हाइड्रोक्साइड ऊपर के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अल्काइल एलाइड के बाद। नाउ फर्दर द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, जितना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ठीक है, ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल एलाइड, उतना जल्दी अल्काइल एलाइड का फॉर्मेशन होगा। एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, उतना जल्दी रिएक्शन होने वाला है। नाउ इन केस ऑफ अल्काइल एलाइड्स 30 अल्काइल एलाइड्स अंडरगो SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट।
कि बहुत फास्ट रिएक्शन होने वाला है. ओके, टर्शरी, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड ये जो टर्शरी लिखा हुआ है, ठीक है, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट. ये 3 डिग्री, यहाँ पे 30 जैसा दिख रहा है पर 30 नहीं है बच्चों, 3 एंड देन डिग्री. ओके, अंडरगो SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ द हाई स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कार्बोकेटेंस. ओके, नाउ वी कैन सम अप द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टूवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन एज फॉलो. हम देख सकते हैं, देखो, यस, दोनों के लिए बात करेंगे. देखो सबसे पहले क्या बोला यहां पे, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट. तो सबसे पहले हम SN1 के बारे में बात करेंगे. तो SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्शन किसका होता है फास्ट, तो क्या भाई टर्शियरी के, टर्शियरी का सबसे ज्यादा होता है. देखते हैं यहां पे लिखते हम टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल. दिस इज फॉर SN1 रिएक्शन. अभी इसका उल्टा SN2 के लिए क्या होगा, तो SN2 के लिए भी हम लिखेंगे बच्चों सबसे पहले मिथाइल, उसके बाद प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी. ओके, तो ये दोनों का जो रिएक्टिविटी रेट है वो बच्चों में याद रखना है, खास करके फॉर MCQ. आपको एग्जाम में एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल से ऊपर से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा. स्ट्रक्चर के ऊपर से यू कैन एबल टू डिसाइड वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी और मिथाइल. वो डिसाइड करने के बाद यू कैन डिसाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. ओके, चलिए द नेक्स्ट. फॉर द सम रिएक्शन लाइक एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड हो या फिर बेंजाइलिक हैलाइड हो, सो हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन, वो SN1 रिएक्शन के ऊपर उनका रिएक्टिविटी ज्यादा रहता है. ओके, नाउ द कार्बोकेटाइन दस फॉर्म्ड गेट स्टेबिलाइज थ्रू द रेजोनेंस, दैट ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 12 वी हैव स्टडीड. तो चलिए वो देखते हैं. सबसे पहले देखो, तो यहां पे देखो क्या है भाई, डबल बॉन्ड, ये सिंगल, फिर ये कार्बन के पास क्या है, चार्ज, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाउ ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो देखो उल्टा हो गया. अभी यहां पे क्या हो गया, सिंगल, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, चार्ज यहां पे था तो चार्ज यहां पे हो गया, देखो पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, मतलब एक दूसरे के अंदर क्या हो गए, इंटर कन्वर्टिबल. ओके, तो ये तो बात हो गई भाई एलाइलिक की, किसकी, एलाइलिक की. ऐसे ही हम बात करेंगे बेंजाइलिक के बारे में. तो देखो सबसे पहले ये बेंजीन रिंग, ओके, नाउ ये CH2 एंड देन पॉजिटिव चार्ज इज देयर. ये पॉजिटिव चार्ज अभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सबसे पहले, देखो तो एक नियर बाय बाजू में, ओके, ऑर्थो पोजिशन पे समझ लो, 1-2 पोजिशन पे ये प्लस चार्ज आ गया. ओके, देन यहां पे जो डबल बॉन्ड था, ठीक है, वो डबल बॉन्ड यहां पे आ गया. नाउ वन मोर नेक्स्ट, जो प्लस चार्ज था वो ऑर्थो में से पैरा पोजिशन पे आ गया, सामने आमने सामने, ठीक है, और डबल बॉन्ड का पोजिशनिंग जो है वो चेंज हो गया. ठीक है, और एक स्ट्रक्चर अभी वापिस जो प्लस चार्ज है वापिस आ जाएगा ऑर्थो पोजिशन पे,
तो ये घूमता रहता है, ठीक है भाई, ऑर्थो पेरा ऑर्थो, ठीक है, बाकी सब फिर से डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो एक्सचेंज हो गया है। ओके, तो ये बात हो गई बेंजाइलिक एलाइड सो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसएन वन रिएक्शन। ओके, देन फॉर गिवन अल्काइल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ द एलाइड, अगर आपको पूछा जाए तो आरएक्स की रिएक्टिविटी का मैकेनिज्म दोनों रिएक्शन के लिए, दोनों मैकेनिज्म के लिए है, फिर वो एसएन वन के लिए लिखो या फिर एसएन टू के लिए लिखो, उसमें यही आपको फॉलो करना है, आयोडाइड देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड एंड देन फ्लोरीन के। बच्चों तो ये पूरा जो रेट है ऑर्डर, ठीक है, वो हमें याद रखना है। ओके, क्लियर है? ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना रखते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, इवन मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसकी लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, तो आज ही ज्वाइन हो जाओ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।